आज 7 अगस्त है, ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन मंडल कमीशन लागू हुआ था और मैं इस समय दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हूँ। भले SC ST OBC माइनॉरिटी के लीडरशिप वाले सपा बसपा RJD JMM ये लोग OBC की भूमिका को न समझे, लेकिन BJP समझ रही है। एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उसमें लालू यादव से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक है। सवाल है कि देवेंद्र फडणवीस कब से OBC हो गए। ये तस्वीरें देखिए, शरद पवार, भूपेश बघेल, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और लालू यादव की भी तस्वीरें लगाई गई है। सोचिए, शरद यादव की तस्वीर कहीं नहीं दिख रही है, मंडल मसीहा थे। लालू यादव की तस्वीर है, छगन भुजबल, नाना पटोले, कपिल पाटिल, भागवत मरांडा। तो ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ आए हैं और ये एक OBC की बड़ी बैठक हो रही है। राष्ट्रीय OBC संघ, शिव प्रसाद शाह हैं, डॉक्टर आनंद राठौर हैं, तो तमाम जो OBC के लोग हैं उनकी बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें भी दिखाऊंगा, उन लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा। सोचिए, 27% रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, जय OBC, गर्व से कहो हम OBC हैं। और ये देखिए, तथागत बुद्ध, अहिल्याबाई होलकर, माता सावित्री, तमाम जो बहुजन आइकॉन हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। मानेवर कांसीराम साहब हैं, BP सिंह हैं, BP मंडल हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, पेरियार हैं, संत गाडगे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, तो तमाम तस्वीरें लगाई गई है और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। समझने की भी कोशिश करूँगा, लोगों से भी बात करूँगा। तो 7 अगस्त है, समाज में जागरूकता तो आई है। BJP के जो राजनीतिक सलाहकार हैं वो इन सारे चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो इसको कब समझेंगी। ये देखिए, मीसा भारती की भी तस्वीरें हैं इसमें लगी हुई है, तो अंदर भी जाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि चल क्या रहा है। लेकिन एक बड़ी बैठक हो रही है OBC को लेकर, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कब तक समझेंगे मुझे नहीं पता है, और ताल कटोरा में ये बैठक हो रही है OBC को लेकर, उसमें समझूंगा। और देखिए, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बाहर भी लोग हैं और ये तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूँ आपको ताल कटोरा स्टेडियम से, जहाँ OBC को लेकर एक बड़ी बैठक कॉल की गई है। देखिए, BC चलो दिल्ली, तो राष्ट्रीय अधिवेशन, देश भर के जो OBC के लोग हैं वो आए हैं यहाँ पर, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, अंदर भी दिखा। तस्वीरें देखिए, एक तरफ जहाँ BJP हिंदुत्व की राजनीति कर रही है और तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियाँ हैं वो उस फोल्ड में फंस रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो सोशल मीडिया की बदौलत OBC को लेकर जो डिस्कोर्स है वो बहुत तेज हुआ है, बहुत बढ़ा है। और ताल कटोरा में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, जहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और पूरे बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और लालू यादव की तस्वीरें हैं, शरद पवार मराठा नेता हैं उनकी तस्वीरें हैं, और ये देखिए, ये अब वो तस्वीरें सामने आ गई हैं। महिलाओं की ठीक ठाक भागीदारी है, तो ये एक बड़ा एक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है OBC को लेकर। सिख समुदाय के लोग भी हैं, तो 60% आबादी है इस देश में OBC की। और आज ही के दिन मंडल कमीशन लागू हुआ था, BJP ने समर्थन वापस ले लिया था, उसके बाद भी ये तस्वीरें देखिए, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे, और काफ़ी भीड़ है, काफ़ी संख्या में भीड़ है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और मैं अंदर आ गया हूँ हॉल में, और ठीक ठाक संख्या में लोग हैं और OBC समाज की जाति निहाय जनगणना की जाति जनगणना की मांग हो रही है। ये तस्वीर देखिए, ये 7वां महाधिवेशन है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और ये देखिए OBC महासभा की बड़ी बैठक हो रही है, और सोचिए कुर्सियाँ बहुत हद तक खाली हैं और बैनर पोस्टर्स बहुत लगाए गए हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, शरद यादव की तस्वीरें नहीं है जो वो खल रहा है, देखिए प्रधानमंत्री OBC क्लेम करते हैं, शरद जी की बात, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि वो अस्वस्थ हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, अस्पताल में कुछ दिनों पहले तक भर्ती थे, अभी भी वो अपने घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और हम लोग उनके
दीर्घायु जीवन की कामना करने के लिए यहां पर उनके लिए प्रार्थना कर देख सकते हैं आप। और आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने बिहार के इस नेता जो पूरे भारतवर्ष में पिछड़ों की आवाज बने, क्योंकि हम जानते हैं कि मंडल आयोग जिसका क्रियान्वयन 7 अगस्त 1992 को हुआ, उस मंडल आयोग विधि मंडल भी बिहार से ही तो बात है। लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, भीड़ बहुत नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्रचार प्रसार नहीं होता है, लेकिन ठीक ठाक कार्यक्रम है। 7 अगस्त को लेकर एक कार्यक्रम हो रहा है, तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सामने आप भाषण सुन रहे होंगे, शरद यादव की कमी खल रही है, दिखा रहा हूँ। महात्मा गांधी समाज में और अपने वक्त की उपज कहे जाते हैं, तो हर जाति ही धर्म में ओबीसी समय तमाम विडंबनाओं के बीच बिहार की राजनीति के मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। देखिए आपका ऊर्जा आह्वान व्यक्तित्व देश को निरंतर प्रगति पथ की ओर जागरूकता को लेकर एक रहने के लिए तो जागरूकता तो आई है। 7% आवासीय वाला एक कम्युनिटी है। आपने कॉलेज जीवन से ही अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के रूप में की, तेलंगाना इसी दौरान देश भर से लोग जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का हिस्सा बने बन गए, और जयप्रकाश नारायण राज नारायण कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे राजनेताओं से मिलकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। बड़ी 1974 के छात्र आंदोलन में और जयप्रकाश नारायण जिन्हें बीजेपी के नाम से समझने की आप कोशिश कर रहा था। मैं तालकटोरा से, जहां ऐतिहासिक दिन है, आज 7 अगस्त है, इस देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाला मंडल कमीशन की रिपोर्ट आज बीपीसी ने लागू की थी। सोचिए लगभग 60% आबादी है ओबीसी की, लेकिन आज भी उसकी सत्ता जुडिशियरी मीडिया ब्यूरोक्रेसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भागीदारी नहीं है। आज भी उसको 27% रिजर्वेशन है, वो भी नहीं मिल रहा है। इस समाज में शैक्षिक पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, सामाजिक पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, इसी का नतीजा है। पूरी रिपोर्ट आपको और भी दिखाएंगे और कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन एक बात होता है कि देरी सही सोशल मीडिया ने लोगों को जागरूक किया है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, तालकटोरा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।